अरे हमारा आरिज भाई बाबू हमारा देखिए हमारा बाबू हो गया बिल्कुल रेडी कैप लगा के। और ये गाइस हमारी अम्मी सबसे अच्छी लग रही है। सो हे गाइस सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो भाई स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग रणवीर ब्लॉग चैनल में। अच्छा हमको सिखा रिया है। सो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि 11:30 बजने वाले हैं, मतलब 2-4-5 मिनट में 11:30 बजने वाले हैं। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। सो आज से मतलब संडे है गाइस, तो आज काफी लेट ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, काफी लेट हो गया क्योंकि सुबह से काफी कामों में लगा हुआ था। भाई आए हैं, बाजी आई है और हमारे आरिश भाई आए हैं। अच्छा तो थोड़ा नाश्ता वास्ता लेकर आया, काफी चीजें मतलब काफी काम थे, इस चक्कर में मतलब मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो आज सब लोग जा रहे हैं, मतलब हमारे घर से सब लोग मुझे छोड़ के और छोटी वाली सिस्टर को साविया को छोड़ के, हम लोगों को, हम दोनों को छोड़ के मतलब सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं अलीगढ़। और काफी मतलब एक्साइटेड है सब लोग, काफी एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, मजे करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यूँ नहीं गया कि गाइस मतलब मुझे आराम करना था और थोड़ा मतलब मेरा घूमने का मन भी नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गया गाइस। तो मेरी इच्छा नहीं कर रही थी, थोड़ा आराम करना था, मतलब पूरे हफ्ते जॉब करके तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है आपका भाई, तो इसलिए मैंने सोचा यार आराम करूँगा आराम से घर पर। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ गाइस कितनी जोरों से तैयारी चल रही है, मतलब सब लोग तैयार हो रहे हैं और जाने के लिए, बस वैसे जल्दी निकलना था उनको तो काफ़ी लेट हो गए हैं, तो काफ़ी लेट हो गए इसे हम पापा भी चिल्ला रहे हैं काफ़ी देर से। और गाइस मैंने अभी देखी कटिंग करवाई है, अभी सुबह कटिंग करवाई है, तो क्या नाचो भाई कैसी लग रही है आपके भाई की कटिंग बताना। मतलब मैंने सादा करवाई है, पहले थोड़ा नीचे से काफ़ी छोटे छोटे बाल करवा दिया करता था, तो भैया काफ़ी मतलब चिल्लाए, काफ़ी भी उससे बोला ऐसी कटिंग ना करवाया कर, और पापा ने भी बोला, तो इसलिए मैंने सादा कटिंग करवाई है गाइस। तो ठीक लग रही है, मुझे ठीक लगी, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसी लगी मेरी कटिंग। सो मैं दिखाता हूँ गाइस कि कितनी जोरों से तैयारी हो रही है और सब लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलते गाइस, तो यहाँ पर देखिए तैयारी चल रही है, देखिए सब तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर लग रहा है भैंस पाउडर। अरे भैया तू तो देख लियो, ये भैंस पाउडर लग रहा है और ये अलीगढ़ जा रहे हैं घूमने के लिए, अलीगढ़ जा रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा और अम्मी देखिए हमारी सबसे बढ़िया अम्मी लग रही है हमारी, देखिए कपड़े देखिए अम्मी कितने अच्छे लग रहे हैं। वाओ ब्यूटीफुल। और हमारे आरिश भाई हैं नीचे और काफी रो रहे हैं जब से आए हैं जब से। और देखिए गाइस हमारी अम्मी सबसे अच्छी लग रही हैं, बढ़िया लग रही हैं, और थोड़ी बहुत देर में निकलने वाले हैं ये लोग। और साबित तू क्यों नहीं आ रही है, तू क्यों नहीं आ रही भैया? क्या अच्छा, और साबिया की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं आ रही है। और रूबी देखिए, रूबी बाजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नहीं, नहीं, और हाँ, और कल तो ये वो मिला है, वो देखा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, अपना टैबलेट देगा मिला टैबलेट भैया। तो अभी हम अपनी रूबी का टैबलेट दिखाएंगे मतलब आपको इसी ब्लॉग में, और कल इसको सरकार की तरफ से टैबलेट मिला है तो लावा का है, और आपको दिखाएंगे गाइस उसकी अनबॉक्सिंग तो हमने कर ली है, वीडियो उसकी बनाई नहीं है, आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी है ना सब लोग जा रहे हैं भाई और सब नीचे उतर रहे हैं और निकलने के लिए। अम्मी की चादर बढ़िया लग रही है, सितारे लगे हैं अम्मी तुम्हारी चादर में। तो बाबू आया, आर यू रेडी? आया, क्या हो गई, क्या हो गई भैया? अरे हमारा आरिज भाई बाबू हमारा कपड़े बदलवा ले भैया आरिज। चुप्पे रो यार,
देखिए हमारा बाबू हो गया बिल्कुल रेडी, कैप लगा के और कैप कैप नहीं हटा दी। आ आ कैप बाबू हमारा रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। इसलिए गाड़ी में बैठ के जाना नहीं। हाँ बेटी ज्यादा नहीं, तू आगे बैठ जी। हाँ कौन टच कर रहा है? ले बेटी हाँ भाई ये दे दूंगा, आगे बैठ जा। बंद खोल, अंदर करना भाई, खोलो लो जाओ जाओ बेटी। हाँ अब सही है, अब तो सही है। हाँ आरिज भाई बाय सो गए। सभी सब लोग निकल चुके हैं घर से अलीगढ़ के लिए और, अच्छा और मतलब सब लोग आराम से घूमने के लिए निकल चुके हैं और मतलब गाइस कोई एक दो घंटे में, दो ढाई घंटे में तो पहुंचेंगे वो लोग। फिर उसके बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसके बाद तो एक दो रिश्तेदारी भी हैं तो वहाँ भी जाएंगे। अच्छा फिर उसके बाद अपने आगरा के लिए रिटर्न हो जाएंगे। सो सब लोग गए हैं, बढ़िया तरीके से पहुंच जाए सब लोग। सो गाइस मतलब जो टैबलेट सरकार की तरफ से हमारी रूबी को मिला है तो मतलब उसका फॉर्म मैंने भी भरा था। और मतलब उस टाइम जब वो मिल रहे थे, फोन मिल रहे थे सैमसंग के, तो मैंने भी भरा था पर मेरा नाम नहीं आया गाइस। तो मतलब उसका नाम आ गया लिस्ट में, तो उसका नाम आया तो उसको टैबलेट मिला। तो उसकी अनबॉक्सिंग तो हमने कल कर ली है पर मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा कि लावा का कैसा टैबलेट है और इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ आपको। सो काफी बढ़िया है। सो गाइस अभी मैं गया था नहाने के लिए गाइस, और अभी आपका भाई बिल्कुल नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गया गाइस। देख लो भाई अब लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सो गाइस मैंने जो बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने और जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे उनके लिए सबके लिए टैबलेट बांटे थे और कुछ टाइम पहले फोन भी बांटे थे। सो गाइस मतलब मैंने भी टैबलेट का फॉर्म भरा था पर मेरा नाम ही नहीं आया भाई। और जो मैं मतलब सिस्टर भी थी लास्ट ईयर में तो उसने भी भरा था। सो उसका नाम आ गया था लिस्ट में और उसको एक दो दिन पहले ही टैबलेट मिला है गाइस। सो वो लावा का टैबलेट है गाइस। सो मैंने बताया था गाइस इसी ब्लॉग के स्टार्टिंग में कि हम उस टैबलेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और गाइस अभी उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो गाइस वैसे हम लोगों ने खोल के देख लिया, उसकी अनबॉक्सिंग कर ली है पर आप लोगों के लिए मैं एक बार और अनबॉक्सिंग करूंगा क्योंकि वही देखना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने एक बार खोल कर देख लिया है वो टैबलेट। तो आपके सामने और आप लोगों को भी दिखाएंगे उसकी अनबॉक्सिंग करके कि क्या क्या सामान उसमें आया है और क्या उसके फीचर हैं और कितनी रैम है, सब कुछ आपको दिखाएंगे गाइस। तो चलते हैं और मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ गाइस। तो चलते हैं जल्दी उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो गाइस ये टैबलेट आया है और वाओ ब्यूटीफुल, और यहाँ पर देखिए ये लावा का टैबलेट है गाइस, तो काफी बढ़िया भाई। और इसके देखिए यहाँ पर दिया गया ये तुम्हारा, ये देखिए 32 फुल HD। अच्छा और ये देखिए 2GB रैम है इसकी और 32GB मेमोरी स्टोरी मतलब स्टोरेज है इसकी। और काफ़ी बढ़िया है, मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो भाई सरकार की तरफ से ये मिला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मतलब लास्ट ईयर वाले बच्चों को सबको दिया गाइस ये। सो यहाँ पर लावा का, सो इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो पहले हमने इसको खोल के देख लिया भाई एक बार ताकि कोई डिफेक्ट मतलब ना निकले, तो इसलिए हमने पहले खोल के देख लिया है। आप लोगों के लिए फिर से अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। सो सबसे फर्स्ट पे और टैबलेट ही रखा हुआ है तो सबसे पहले उसको ही दिखाते गाइस। सो ये देखिए फ्रंट का कैमरा, ये फ्रंट का कैमरा है गाइस और ये बैक का कैमरा, और यहाँ पर देखिए लावा यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। सो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, सुनहरी कलर है मतलब इसका, क्या बोला तूने, सुनहरी कलर का है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऑन है, हाँ और गाइस ऑन भी है अभी, अभी इसमें कोई सिम नहीं है कोई मतलब, और देखिए फुल चार्ज है भाई। सो काफ़ी बढ़िया। सो अब दिखाते गाइस इसमें कि और क्या चीज़ें आई है, मतलब और इसके साथ क्या सामान आया है, तो वो भी आपको दिखाते गाइस।
सो ये देखिए, ये है चार्जिंग केबल, मतलब चार्जर और इसका चार्जर, ये इसका चार्जर है गाइस, ये लावा का चार्जर आया है, बढ़िया है भाई, इसके हिसाब से काफ़ी मतलब ठीक है, वैसे ज़्यादा हैवी नहीं है चार्जर, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और सो गाइस ये आया है, ये क्या है, एयरफोन, ये एयरफोन आई है लावा की, एयरफोन जो इसके साथ आई है, तो ये भी बढ़िया होगी और साउंड भी काफ़ी अच्छा होगा इसका, बढ़िया, क्योंकि लावा अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है भाई। सो इसके साथ एक कवर भी आया गाइस, इसको कवर में रखने के लिए, मतलब ताकि ख़राब ना हो और कोई स्क्रेच ना आए, इसके लिए कवर भी आया गाइस, बहुत बढ़िया कवर आया। सो इसको मतलब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ गाइस कि कैसा कवर है। सो ये देखिए गाइस, हाँ ये देखिए भाई, बढ़िया, ये यहाँ पर चिपक जाएगा, यहाँ पर टैबलेट चिपक जाएगा और ये आराम से यहाँ पर बंद हो जाया करेगा। सो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा मतलब लगा मुझे ये टैबलेट, बहुत ही बढ़िया, मतलब ठीक ठाक है और बहुत ही अच्छे फीचर है इसके अंदर। सो गाइस कैसा लगा आपको टैबलेट, आप लोग कमेंट करके अपने भाई को जरूर बताना गाइस। नो और कैसे मतलब टैबलेट में जो भी सामान आया वो कैसे लगे गाइस, तो सब लावा का है और काफी बढ़िया था भाई, सब कुछ अच्छा है। और गाइस आज के ब्लॉग को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं आज के ब्लॉग का गाइस, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई। सो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। सो अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। सो ब्लॉग को पूरा देखना भाई, बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।